अभी कुछ दिन पहले तक दूसरे के खेतों में मेहनत मजूरी करती इंडोनेशिया की ये खेत मजदूर महिलाएं आज पहरेदार हैं। ये खेती इनकी है, ये फसलें इनकी हैं, और तभी है ये उत्साह। इन खेतों का, इन फसलों का लाभ इन सबको मिलता है। उतनी ही मेहनत में आज ये पहले से ज्यादा कमा लेती हैं, पहले से बेहतर जिंदगी जीती हैं। इनका जीवन स्तर ऊपर उठा है, कुछ आशाएं बंधी हैं। इनकी मुस्कान मानो सब कुछ कह देती है। अब ये केवल खेतीहर नहीं, आज ये एक बदले हुए माहौल का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक प्रयोग की जीती जागती मिसाल है जो आज इंडोनेशिया के देहातों में चल रहा है। लोगों को आत्मनिर्भर, शक्ति संपन्न और साक्षर बनाने की ओर इनका संतोष और सुख झलकता है। इनके चेहरों से, इनके गीतों से। खेतों में मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाली इन महिलाओं को संगठित करने का काम सामुदायिक नेताओं ने किया है। इसमें इनकी मदद स्थानीय ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने की। इनको संगठित करने का उद्देश्य इन महिलाओं की स्थिति का समग्र विकास करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खेती के काम में इनकी निहित क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। संगठित होने के बाद इन महिलाओं ने आपस में पैसे एकत्र किए और खेती की जमीनों को पट्टे पर लिया। इस पर ये मक्का और दलहन की खेती करती है। 1200 वर्ग मीटर जमीन के टुकड़े पर प्रत्येक महिला को हर 3 महीने में लगभग भारतीय मुद्रा में 3000 या इंडोनेशियाई 4 लाख रुपए की आय हो जाती है, जो पहले होने वाली आमदनी से 2 गुनी है। खेती की ये साझेदारी स्वयं सहायता समूह के गठन तक पहुंच गई है। अपनी इस कमाई के एक हिस्से को बचाकर इन्होंने एक सामूहिक कोष बनाया है। इस पैसे का उपयोग ये स्वयं सहायता कोष के रूप में करती हैं। इनका ये कोष बैंक में जमा रहता है, जिस पर इनको ब्याज मिलता है। जिस किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है, उसे इस कोष से पैसा कर्ज के रूप में दिया जाता है। जो सदस्य कर्ज लेता है, उसको 1000 के बदले 1010 लौटाना होता है। ब्याज देने में महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती। इन्हें पता है कि कोष के इस पैसे का इस्तेमाल इन्हीं के लाभ के लिए किया जाता है। सामुदायिक शिक्षण केंद्र के माध्यम से हो रही इन गतिविधियों ने इन्हें पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है और इन्हें साक्षर होने की जरूरत का एहसास कराया है। अतः अपनी साक्षरता कक्षाओं में ये उत्साह तथा उत्सुकता के साथ आती है और एकाग्र होकर अक्षर ज्ञान हासिल करती है। इन ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाने की इस पद्धति में पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि शिक्षार्थियों के आसपास की वस्तुओं तथा इनके प्रत्यक्ष अनुभवों का सहारा लिया जाता है। पर साथ मereka sebelum belajar dalam kelompok belajar शिक्षार्थी अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करने को बहुत उत्सुक रहते हैं। उनको ये पता है कि गांव और घर दोनों में अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल मुहैया कराना जरूरी है। उनका सोचना है कि यदि उनकी कार्यकुशलता में सुधार होता है और यदि वे अधिक पैसा कमा पाती हैं, तो उनके बच्चे उन पर गर्व करेंगे, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और उनकी सामाजिक स्थिति बदलेगी। वे महसूस करती हैं कि सामाजिक शिक्षा का बहुत विस्तार हो सकता है और ये सभी धर्मों के लोगों तथा संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ini termotivasi gitu Pak. Jadi alhamdulillah banyak sekali kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat.
वास्तव में आम लोगों के बीच साक्षरता और शिक्षा का प्रसार करने के लिए इंडोनेशिया में इसी रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रणनीति उन तमाम प्रयासों, कार्यक्रमों तथा अभियानों के अनुभव पर आधारित है जो आजादी के बाद इंडोनेशिया में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए चलाए गए। इन प्रयासों के दौरान ये अनुभव किया गया तथा निष्कर्ष निकाला गया कि लोगों को साक्षरता की ओर प्रेरित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिससे इन्हें जल्द आर्थिक लाभ मिल सके। तस्वीरों जैसे इस सुंदर गांव की आबादी में खेत मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं। तमाम विकासशील देशों की तरह इंडोनेशिया के खेत मजदूरों का विशाल बहुमत भी गरीब और अनपढ़ है। दिन भर की कड़ी मेहनत से थके हारे इन मजदूरों को साक्षर बनने के लिए प्रेरित करना तथा केंद्र पर लाना एक कठिन काम है। इनको प्रेरित करने का उपाय ढूंढा गया। इनको यहाँ ऐसे खाद्य पदार्थ बनाना सिखाया जाता है जो ये अपने आसपास मिलने वाली चीजों से घर पर ही तैयार कर सकते हैं और फिर इनको बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय पा सकते हैं। यहाँ इनको केक व पेस्ट्री बनाना सिखाया जा रहा है। ये अब इसमें माहिर हो गई हैं। आसपास के बाजार में इनकी अच्छी मांग है, इससे इनको अतिरिक्त आय हो जाती है। पेस्ट्री बनाने और बाजार में बेचने के लिए इनको ये जरूरत महसूस हुई कि ये पढ़ना लिखना और मोटा मोटा हिसाब किताब रखना सीखे। saya ke sini mau sekolah di sini teh saya ngerasa terharu मैं एक बार अस्पताल गई थी, वहाँ मुझे पानी खरीदने और शौचालय जाने की जरूरत महसूस हुई। दोनों चीजें वहाँ मौजूद थी लेकिन मैं वहाँ लिखा बोर्ड नहीं पढ़ पाई। तब मुझे पढ़ने लिखने की जरूरत महसूस हुई। मैंने एक सामुदायिक शिक्षण केंद्र में केक एवं पेस्ट्री बनाना सीखा। इसका हिसाब किताब करने के लिए मुझे शिक्षा की आवश्यकता का एहसास हुआ। Oh bukan ke sini sana Bu kalau beli air ini ke sana sana ke kantin oh sana यहां इनको शिक्षा केक और पेस्ट्री बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के संकेतों और बनाने की प्रक्रिया को समझाने के माध्यम से दी जाती है। शिक्षा को पर्यावरण संबंधी गतिविधियों तथा रोजमर्रा की जरूरतों से जोड़ने के अद्भुत उपाय के लिए इस केंद्र को कई पुरस्कार भी मिले हैं। तीसरी दुनिया के तमाम अन्य देशों की तरह इंडोनेशिया में भी अशिक्षा और निर्धनता सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। कार्यपरक साक्षरता का ये काम गांव में तेजी से चलाया जा रहा है। सामुदायिक शिक्षण केंद्र के अंतर्गत साक्षरता की ये कक्षाएं कुटीर उद्योगों से जोड़ी गई हैं। इन्हें महिलाएं मिलजुल कर चलाती हैं। इस केंद्र में लगभग 30 शिक्षार्थी हैं। यहाँ ये केले, जिमीकंद तथा अम्पिंग से चिप्स बनाती हैं। घर घर में ये काम परंपरागत रूप से होता है। घरों में इस्तेमाल करने के साथ साथ जरूरतमंद परिवार चिप्स को बाजार में भी बेचते हैं, लेकिन गुणवत्ता तथा पैकिंग का स्तर नीचा था। बाजार में कीमत कम मिलती थी। इस सामुदायिक शिक्षण केंद्र में इनको उन्नत तकनीकों की जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की ओर से चिप्स बेचने में इनकी सहायता भी की गई। माल की गुणवत्ता में सुधार आया, पैकिंग बेहतर हुई, बाजार में मांग बढ़ी और इसलिए इनके मुनाफे भी बढ़े, इनका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ। नए ढंग से बेहतर काम करने के दौरान ही इनको ये एहसास हुआ कि पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है, आखिर खर्चों और आमदनी का हिसाब रखना भी तो जरूरी है। मसारी को ही लीजिए, ये हमेशा से जिमीकंद के चिप्स बनाती थी। इन्होंने कोशिश भी की पर केले के चिप्स नहीं बना पाई थी। इस केंद्र में आने के बाद ये न केवल केले के चिप्स बनाना सीख गई बल्कि अब ये उत्पादन लागत का भी हिसाब किताब लगा लेती है। पहले इनको पता ही नहीं चलता था कि ये कितना खर्च कर रही हैं और कितना कमा रही हैं।
अब इन्हें पता है कि ये कितना बचाती हैं। इनको 20 से 25 फीसदी तक मुनाफा होता है। इन्होंने अन्य 6 महिलाओं को 2000 रुपया अर्थात भारतीय मुद्रा में 12 रुपया रोज पर रखा हुआ है। ये नाइसा हैं। पहले इनका काम घर और परिवार की देखभाल करना था, शिक्षा बस प्राइमरी तक। ये केंद्र पर आई, यहाँ काम सीखा। अब ये 8 महिलाओं को काम पर लगाए हुए हैं। प्रतिदिन 30-40 किलो चिप्स बना लेती हैं। औसतन 4,20,000 रुपया अर्थात भारतीय मुद्रा में 2200 रुपया रोज की बिक्री करती हैं। जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। सब कुछ इस केंद्र से मिला है। महिलाओं को शक्ति मिली है। इनकी सोच और जीवन दोनों ही बदला है। अब ये दूसरों को रोजगार दे सकती हैं। बाजार में मोल भाव करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। इनके दरवाजे पर अब अच्छे विक्रेता आने लगे हैं। ऐसे कुछ अन्य केंद्रों में महिलाओं को दूसरे काम सिखाए जाते हैं। कांच और प्लास्टिक के मनकों से बटुए बनाना एक ऐसा ही काम है। ये चीजें प्रशिक्षक की देखभाल में बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इनकी बिक्री से आया हुआ पैसा इन प्रशिक्षुओं की आय में बढ़ोतरी करता है। इस केंद्र में महिलाओं को तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाना भी सिखाया जाता है। सीखने के दौरान ही इन्हें अनुभव होता है कि इसे बनाने और बाजार में बेचने के लिए आवश्यक है कि वे साक्षर हों। इनके लिए केंद्र पर ही साक्षरता की कक्षाएं चलाई जाती हैं। कार्यपरक साक्षरता के इन महत्वपूर्ण अंगों, इन सामुदायिक शिक्षण केंद्रों का संचालन का सारा खर्च सरकार उठाती है। प्रशिक्षकों की व्यवस्था भी सरकार करती है और इनको मानदेय भी देती है। इन प्रशिक्षकों का काम लोगों के बीच जाकर ये पता लगाना है कि ये क्या काम सीखना चाहते हैं। ये बाजार का सर्वेक्षण भी करते हैं और पता लगाते हैं कि किन चीजों की कितनी मांग है और इनके खरीदार कौन हैं। इस तरह के हुनर सिखाने वाले इन केंद्रों की स्थापना इसी क्षेत्र के सामुदायिक नेता द्वारा की जाती है। ये सामुदायिक नेता उप जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत काम करते हैं। सबके साथ साथ संतोष बाबा सासरण काक्षरण फंक्शनल हमारा उद्देश्य लोगों को अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में जागरूक बनाना और इसके लाभ बताना है। हमारे लक्ष्य समूह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। हमें उनकी सोच में बदलाव लाना तथा उनको इसके लिए राजी करना है कि वे अपनी क्षमताओं का विकास करें। इसके लिए हमें बहुत अच्छे ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो खुद भी अभिप्रेरित हों। ऐसे लोगों की कमी है। इसके अलावा हमारे पास कोई इमारत भी नहीं है, कोई सामग्री और पुस्तकालय भी नहीं है। कक्षाएं शिक्षकों के घरों में चलानी पड़ती है, जगह बार बार बदलनी पड़ती है। लोग चाहते हैं कि केंद्र की जगह का किराया सरकार दे। इन सामुदायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना और इनके संचालन में शिक्षण विकास केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षण विकास केंद्र का पहला काम शिक्षा नीति के अनुसार लक्ष्य समूहों की आवश्यकता का पता लगाना है। लोगों की जरूरत और सरकारी नीति के आधार पर एक आइडिया विकसित किया जाता है। इस आइडिया को कार्य रूप देने के लिए एक डिजाइन तैयार की जाती है। इस डिजाइन के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। समय समय पर केंद्रों पर चलने वाले कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर एक मॉडल तैयार किया जाता है। इस मॉडल को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए क्षेत्र विशेष के लक्ष्य समूहों की आवश्यकता का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर फिर एक आइडिया विकसित होता है। इस प्रकार जमीनी स्तर पर आवश्यकताओं और अनुभवों के आधार पर सामुदायिक शिक्षण केंद्रों में कार्यक्रमों में फेरबदल होता रहता है, परंतु मूल शिक्षा नीतियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आम लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाते हुए
उनको साक्षर बनाने के लिए ये कार्यक्रम इंडोनेशिया की मौजूदा शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण अंग है। So the contribution from our side, we provide the learning fund. So we provide the learning fund. We provide. हम शिक्षा कार्य के लिए कोष प्रदान करते हैं एवं शिक्षण सामग्री तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करते हैं। जिस गांव में 5 से लेकर 10 तक प्रशिक्षु समूह हैं, वहां हम एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करते हैं। इनका काम शिक्षण व्यवस्था के स्तर को बरकरार रखना तथा लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। Income generating learning group in this village, we have one instructor for to mobilize, for to give the simple training, for to develop the quality, for to increase the quality of the product. कार्यपरक साक्षरता के इस कार्यक्रम को पैकेज ए के अंतर्गत रखा गया है। पूर्व साक्षरता, साक्षरता और उत्तर साक्षरता के सभी कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आते हैं। ये पैकेज 2 भागों में विभाजित है। एक भाग को पैकेज A1 कहा जाता है, इसमें निरक्षरता उन्मूलन आता है। पैकेज A2 के अंतर्गत उत्तर साक्षरता तथा सतत साक्षरता कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। वास्तव में 1989 से इंडोनेशिया में प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के लिए कोई अलग से अभियान नहीं चलाया जा रहा है। सरकार का सारा ध्यान अब कार्यपरक साक्षरता पर लगा है। इसका लक्ष्य 10 से 44 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक लोगों को साक्षर बनाना है। And right now, after 56 years, स्वतंत्रता के 56 वर्ष बाद इंडोनेशिया में अनपढ़ लोगों की संख्या 11% है। हालांकि यह प्रतिशत काफी कम लगता है, लेकिन संख्या के हिसाब से 1,87,00,000 लोग अनपढ़ हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं हैं जिनका बड़ा भाग ग्रामीण है। इनमें कुछ लोग शहरों की झुग्गियों में रहते हैं। काफी खेतीहर भी हैं। गांव की उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र को प्रतियोगी बनाने के लिए हमें इन लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। सो टू इंक्रीज रूरल प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर कॉम्पिटिटिवनेस, द ओनली वे इज टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ द दोस पॉपुलेशन। इंडोनेशिया में शिक्षा पर किए जाने वाले संपूर्ण सरकारी खर्च का 10% हिस्सा इस अनौपचारिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है। यहाँ इसे स्कूल के बाहर की शिक्षा कहा जाता है। 1994 में सरकार का ध्यान इस ओर गया कि 7 से 15 वर्ष की आयु के उन बच्चों तथा युवाओं के लिए अलग से कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जो 9 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा पूरी नहीं कर सके हैं। अतः पैकेज ए और पैकेज बी के साथ एक सतत शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला, शिक्षार्थी को ऐसे काम सिखाना और उसकी सोच को ऐसे ढालना कि वो कुछ कमाने योग्य बन सके, और दूसरा उद्देश्य, शिक्षा जारी रखने में उसकी सहायता करना। सतत शिक्षा के इस कार्यक्रम को लागू करने में अनेक निजी एवं अर्ध सरकारी संस्थाओं की सहायता ली गई। इनकी आर्थिक सहायता सरकार करती है। ये संस्थान 3 महीने से 1 साल की अवधि के विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें ड्रेस डिजाइनिंग, कार्यालय प्रशासन, कंप्यूटर और अकाउंटिंग से होटल प्रबंधन तथा ब्यूटिशियन इत्यादि के अनेक व्यवसाय सिखाए जाते हैं। अरियंती एक ऐसा ही संस्थान है। इसमें 1200 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रमों की फीस 10 लाख रुपया अर्थात भारतीय मुद्रा में लगभग 5500 रुपए है। इसे किस्त में अदा किया जा सकता है। जाहिर है बच्चों की भारी संख्या इतनी फीस अदा नहीं कर सकती। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए कुछ संस्थान पूरे तौर पर सरकारी सहायता से चलाए जा रहे हैं। इनमें बच्चों को खाना बनाना, सिलाई,
कंप्यूटर तथा बढ़ईगिरी के कोर्स कराए जाते हैं। बढ़ईगिरी की कक्षाएं सातवीं तथा आठवीं के बच्चों के लिए हैं। केंद्रों को उन्नत मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए पैसा भी दिया जाता है। संस्थान के संबंध फर्नीचर के बड़े विक्रेताओं के साथ हैं। वे इसको डिजाइन देते हैं और संस्थान इनके अनुसार फर्नीचर बनवाते तथा इनको बेचते हैं। इनमें सारा काम बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक ढंग से चलाया जाता है। अधिक प्रभावशाली छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप के कार्यक्रम हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाती है। संस्थान उन बच्चों की भी मदद करता है जो यूरोप के बाजारों में प्रवेश पाना चाहते हैं। How to give opportunities to job seeker that they can follow the apprenticeship program, then after that they can work. हमारा कार्यक्रम नौकरी की तलाश करने वालों को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इसे पूरा करने के पश्चात या तो वो कारखानों में नौकरी कर सकते हैं या अपना निजी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। निजी संस्थाएं वोकेशनल कोर्सेज चलाती हैं। यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है तथा हमारे देश में काफी लोकप्रिय है। 1976 में इंडोनेशिया में ऐसी 4,600 संस्थाएं थी जो अब बढ़कर 22,500 हो गई हैं। इन संस्थाओं में कुल मिलाकर 136 प्रकार के व्यवस्थाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। Institution, but until now we have 22,500 institution of the vocational course in the whole Indonesia, and so many kind of occupation in the vocational course. Until now we have more than 136 kind of the course. Indonesia ki vartaman shiksha paddhati 1945 में आजादी के बाद बने उसके संविधान पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा और एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्थापना सरकार करेगी। शिक्षा पद्धति का मौजूदा ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इनको प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की रणनीति में समय समय पर फेरबदल किए जाते रहे हैं। 1989 तक औपचारिक शिक्षा का गठन प्राथमिक, जूनियर माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से होता था। इसमें प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की थी, परंतु 1989 में इसमें परिवर्तन किया गया। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर 9 वर्ष का कर दिया गया। इसे बुनियादी शिक्षा कहा गया। 1994 में एक बार फिर परिवर्तन किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने 9 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था 7 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल भेजना। इसका अर्थ ये था कि माता पिता अपने 7 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजने को बाध्य हैं। दूसरी ओर सरकार का दायित्व बनता था कि वो शिक्षा संबंधी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करे। इंडोनेशिया में सबके लिए बुनियादी शिक्षा योजना को लगभग 12 वर्ष पहले 1990 में लागू किया गया था। तब से 1998 से 2000 तक के आर्थिक संकट के दौर के अलावा प्राथमिक, जूनियर माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षा स्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही इसमें प्रवेश करने वाले छात्रों का अनुपात भी बढ़ा है। 1990 में 30% बच्चे स्कूल जाते थे, जबकि सन 2000 में ये प्रतिशत बढ़कर 92 हो गया है। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के मामले में ये संख्या बढ़कर 95% हो गई है, पर 13 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल जाने का प्रतिशत केवल 56 के लगभग ही रहा। बुनियादी शिक्षा को 6 वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष करने के कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 60 लाख बच्चों को 15 साल के भीतर शिक्षित करने का प्रावधान किया गया था। बाद में ये अवधि घटाकर
10 वर्ष कर दी गई, लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है कि सरकार और जनता की क्षमताओं को देखते हुए ये अवधि बहुत कम है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकारी रणनीति में सुधार लाना जरूरी है। इसका एक पक्ष तो ये है कि पैकेज ए तथा पैकेज बी के प्रयासों में अधिकतम तालमेल होना चाहिए। दूसरी शिक्षा के मामले में ध्यान केवल छात्रों की संख्या बढ़ाने पर नहीं बल्कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर भी होना चाहिए। इंडोनेशिया की संपूर्ण शिक्षा पद्धति मूलतया बाजार की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, अतः 2 वर्षों के आर्थिक संकट का प्रभाव उन सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है जो शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। ये विपरीत प्रभाव सबसे अधिक 9 वर्ष की बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में नजर आते हैं, जिनका लाभ समाज के निर्धन हिस्सों को मिलना है। ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने आता है कि कार्यपरक साक्षरता के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे व्यवसायिक प्रशिक्षण पाने वाले को अर्थव्यवस्था में कितना लाभ हो पाएगा और सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकेगा।